ये महाशय कितना धीरे धीरे चल रहे हैं ऑडी, लेकिन चल रहे हैं बिल्कुल धीरे धीरे। सो भी आप देखिए गाइस, 5 या 10 की स्पीड पे ये गाड़ी जा रही है। वो चंपा के अंकल थे। चंपा किसका नाम है? हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। स्वागत है आपका मेरे आज के नए व्लॉग में। गाइस, दिन की शुरुआत हो गई है। फिलहाल हम लोग हो गए हैं रेडी एकदम जेनेट को ड्रॉप करने के लिए। स्कूल बस में छोड़ के आएंगे। फिलहाल मैं तो बैठ जाता हूँ, बाकी ये लोग आने वाले हैं, बैठ जाएंगे। सो जब तक मैं गाड़ी रेडी करता हूँ और निकलते हैं सीधा स्कूल पिकअप बस की तरफ। और बाकी आज और भी कहीं जाएंगे, एक दो काम है, बट वो जाएंगे जब आहान को छोड़ने जाएंगे। तो फिलहाल मैं तो रेडी हो जाता हूँ, चलते हैं। 10 months? क्या बेटा? जब मैं स्कूल जाने के टाइम पे वो निकाल सकता हूँ पैर, हाँ, और घर जाने के टाइम पे भी निकाल सकता हूँ। निकाल सकते हो, लेकिन स्कूल में मत निकालना क्योंकि गर्मी लगती है, इसलिए दिया है आपको। सिर्फ जब जरूरत पड़े तभी निकालना है, नहीं तो बैग में ही रखो उसको। सुना? हाँ, घर जाते हुए समय भी गर्मी लगती है, हाँ, और स्कूल जाते हुए समय भी। हाँ, तो बस ध्यान से रखना, लगेगी इतना। चलो ठीक है, आपने की जरूरत पड़े तभी निकालना, उसके अलावा नहीं। ठीक है। वो चंपा के अंकल थे। चंपा किसका नाम है? बिल्ली है वो। एक बिल्ली है, का नाम चंपा। हाँ। नाम रखता है। हाँ। जो आपको येलो वाली ऑरेंज वाली बिल्ली देखती होगी कल से, है? हाँ, देखी है, उसी का नाम चंपा है। चंपा का नाम चम्मच होता है ना कभी कभी? तुम्हारी मम्मा का नाम था नहीं, वो कह रही है चंपा जो है, चंपा का नाम चम्मच होता है। चंपा जो है चम्मच जैसी लगती है, ये कह रहे हो? नहीं, चंपा का नाम चंपा जैसी लगती है ना। चलो ठीक है, खड्डे में मत, क्या क्या बोलते हो तुम, खड्डे में मत उतारना। बड़े भयंकर भयंकर गड्ढे हो गए हैं। फिर हाल तो निकल जाते हैं और आहान को उसकी बस में बैठाएंगे। हाँ। तो धूप तो आज बहुत अच्छी निकली हुई है, और अभी फिलहाल और भी कहीं जाएंगे, देखते हैं। तो फिलहाल बैठा देते हैं। अब एक दिन माँ से दो दो लाए थे ना। हाँ। एक आपके पास होना चाहिए, एक मामा के पास होना चाहिए, पर वो है नहीं क्योंकि तुम लोग ले जाते हो। तुम ले जाते हो ना मेरी ड्रॉअर से निकाल के। कहाँ फेंक के आते हो? हमारे कमरे से इतनी सारी चीजें गायब होती हैं, वो ऐसी भवर में जाती हैं, वो जिंदगी में कभी वापस नहीं मिलती हैं। तुम बताओ कहाँ फेंक तुम्हारी चीजें? हम तो आपकी गाड़ी में फेंक देते हैं, हमें सब पता है। सो गाइस, इसको छोड़ देते हैं बस में, फिर दोबारा कैचअप करते हैं आपको। अरे एक दिन तब का वही टूट गया जैसे लेंस का। सो गाइस, हम लोग फिलहाल निकल चुके हैं और अभी रास्ते में ही है। ये देखिए, अभी हम जा रहे हैं अपनी शॉप पे। शॉप में सफाई का काम कुछ कराना था, काफी टाइम से कराई नहीं है सफाई, तो आज इसी काम से निकले हैं। सफाई कराते हैं और देखते हैं कि इतना गंदा हो गया और कितनी सफाई की जरूरत है। जो एक्स्ट्रा सामान होगा उसको उठा के गाड़ी में ले आएंगे घर पे, क्योंकि तो काफी एक्स्ट्रा सामान भी पड़ा हुआ है, तो वो भी देखते हैं। तो पहुंच जाते हैं, फिर दोबारा कैचअप करते हैं आपको। गाइस देखिए, लास्ट टाइम हम आए थे तो पूरा यहाँ पर काम चालू था, और अभी सड़क पूरी बन के तैयार हो गई और कॉन्क्रीट की सड़क है, एकदम मजबूत सॉलिड। तो हाँ, ये देखिए, बहुत अच्छी, बहुत अच्छा काम हुआ है। यही लगा देते हैं, हमारी यहाँ पर जगह भी खाली है। पहले यहाँ लगाना बड़ा मुश्किल होता था, आज तो प्रॉपर, आज ऐसा लग रहा है दुकान नीचे लग रही है, हम ऊपर लग रहे हैं। सो गाइस, फिलहाल तो काम करके आ गए थे हम लोग, दुकान पे गए थे, छोड़ था साफ सफाई का काम करना था, वो कर लिया है। और देखो कितना सारा सामान आया गाड़ी में, पूरा पीछे का एरिया पूरा फुल हो गया है, और बहुत ज्यादा सामान है पूरे, मतलब गाड़ी यहाँ से लेके पीछे तक पूरी फुल है। अभी घर जा रहे हैं, फिलहाल काम करेंगे, इनको उतारेंगे, साफ सफाई करेंगे, फिर खाना वाना देना डॉग्स को, फिर शाम होते होते किड्स को वापस दोबारा लेने यहीं पर आना पड़ेगा। अभी फिलहाल बाहर देखिए, अच्छी खासी धूप निकली हुई है, मौसम बहुत अच्छा है, खुला खुला है। हमेशा बारिश होती रहती है, उसके बाद थोड़ा सा गैप तो बनता ही है। काम कर लेते हैं, पहुंच जाते हैं, दोबारा मिलते हैं आपसे। सो गाइस, घर पे हम लोग आ गए हैं, और ये देखो ये इंतजार कर रहे हैं, खाने का टाइम हो गया है। बेब, खाना खाएगी? बेटा खाना खाना है तुमने? ब्रूनो भी खाना खाएगा। और ये देखो,
ये जमीन पे बैठी हुई है, इसको पेड़ पे बैठा देते हैं। वाह, हाथ में एक काली जरूर आती है हमारे यहाँ। हाँ, जमीन पे बैठी हुई थी, कहीं मर जाती कि पैर आ जाता कुत्ते। अरे बैठी है वो, आराम से रहने दे। तो इनको खाना वगैरह दे देते हैं, कोई काफी टाइम हो गया है, फिर दोबारा आपको मिलते हैं। गाइस हम लोग निकल गए हैं जैनेट और अहान को पिकअप करने के लिए, और अभी टाइम तो हो ही गया है, पहुंच जाएंगे थोड़ी देर में। ये देखो ये महाशय कितना धीरे धीरे चल रहे हैं, है ऑडी लेकिन चल रहे हैं बिल्कुल धीरे धीरे। तो पीछे जो क्या है, पीछे ट्रैफिक जाम हो जाता है। फिर अरे इधर से भी ट्रैफिक आ रहा है ना। तो अभी आप देखिए गाइस, 5 या 10 की स्पीड पे ये गाड़ी जा रही है, और इसकी वजह से सब इसके पीछे लाइन लगा के खड़े हैं। ये देखिए आप स्पीड देखिए, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। चलो एनीवेज निकल जाएंगे ना बेटा, बैग लेके आने का। जैनेट दादा भी ने, चलो जल्दी आओ, जल्दी आओ, आज टाइम पास मत। चलो चल बेटा तू आ जा, इसको यहीं रहने दे। हाँ ना, इसको रहने देते हैं, हम चलेंगे। चलो इधर खड़े हो जाओ, वहाँ पर खड़े हो जाओ। चलो बैठ आ जाओ बेटा, जल्दी आ। चल बहुत हो गया, बहुत मस्ती करते हैं, देखो काट रहे मुझे। बाय बाय, चलो बाय बाय बाय। अरे कितने लिए बेटा, ज्यादा मत लो। ये क्या लाए हो? ए मेरे पंजे मार देगी। आहान नहीं मारेगी। अरे पंजे बिल्ली, डैडी वो नहीं मारेगी बेटा, बिल्ली एक बार ला वो नहीं मारेगी। बिल्ली के पंजे शार्प होते हैं, मत करो। मैं कह रही हूं नहीं मारेगी, वो बैठी भी है तो बैठी, कोई बात नहीं। मैं खा दिया। नहीं नहीं बस बहुत हो गया। अरे कुछ नहीं होगा, नहीं मारेगी। अरे बेटा बस बहुत है, बैठ बैठ गई। हां तो बैठा दिया उसने, बस बहुत हो गया। अरे बेटा पंजे निकाल लेती है, सुनो बिल्ली पंजे निकाल लेती है ऐसे जब होता है तो। जैनेट साथ चल मेरे, चलो आओ। अरे ये हो गया ना पूरा, फिर मैं करूँ। ठीक है थैंक यू। हाँ, ये देखो कौन मिल रहा है तुमसे, बेबिनी बेबिनी। अरे बेबिनी जाओ घूम के आओ, पहले इधर घूम के आओ, पहले इधर घूम के आओ, जाओ 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 आगे जाओ। तुम्हारे लिए कुर्सी डाल दी है, बैठ जाओ। और एक बोरी बैठ जाओ कुर्सी पे, बैठ जाओ बैठ जाओ कुर्सी पे। सो गाइस रात का वक्त हो गया है, और ये वक्त है फिलहाल सोने का, और बस सोने ही जा रहे थे इससे पहले, मुझे लगा अभी व्लॉग को एंड करने का दिस इज द राइट टाइम। तो आज के व्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे नए व्लॉग के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, नॉल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आपको मिल सके सारे वीडियो सबसे पहले विदाउट एनी डिले। सो कीप वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच, बाय बाय।